बाबा पूरी घर गृहस्थी लेके बैठे हैं कैलाश पे, पूरी घर गृहस्थी है, पत्नी है, बच्चे हैं, धर्म के स्वरूप में नंदी है, कुबेर है, वीरभद्र है, अनेक असंख्य असंख्य शिव गण हैं, गणपति हैं, षडानन हैं, सिंह है, वृषभ है। इस पूरी गृहस्थी को संग में लेके बाबा शिक्षा देते हैं, पूरे समाज को, समूचे समाज को शिक्षा देते हैं। जब घर में दो जने फुर्सत में बैठे हों, जब घर में पति पत्नी फुर्सत में बैठे हों, कोई काम ना हो, केवल अब बातों का ही समय है, तो वो बातें भगवान की हों। जब जब मैया पास में बैठती हैं बाबा की, तो मां पूछती हैं कि बाबा कथा सुना दो आप, और बाबा कथा सुनाते हैं। ये सदगृहस्थी का आचार है, विचार है, नियम है, इसे सदगृहस्थी कहते हैं। और हम महाराज पीछा छोड़ा लेते हैं, महाराज भजन मजन हमारे चक्कर को नहीं, कथा मंदिर दान पुण्य धर्म हमारे चक्कर को नहीं, हम तो गृहस्थी हैं। अब गृहस्थी तो महाराज कुछ नहीं कर पाता, बाबा कहते हैं जो गृहस्थी कर पाता है वो कोई नहीं कर पाता, जो गृहस्थ जीव कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए भैया गृहस्थी अगर है, हम सदग्रस्त अगर हैं, तो जब जब मौका मिले, समय मिले, तो हम भगवत चर्चा का सुमिरन करें। हमें मौका मिलता है तो हम बैठ जाते हैं कि आज लाओ हिसाब ही दे दो, तुमने क्या किया है, आज हिसाब हो जाए, क्या किया है तुमने। हम बार बार 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में, साल भर में हिसाब मांगते हैं, क्या किया। बाबा कहते हैं संसार के हिसाब किताब की बात ना हो, आप हिसाब भी लो तो ये कि महाराज 10 साल हो गए, कितनी बार आपने हमें मंदिर ले गए, कितनी बार तीर्थ ले गए, कितनी बार कथा में ले गए, कितनी बार दान पुण्य धर्म कराने ले गए, कितनी बार भंडारे में ले गए, कितनी बार सत्संग में ले गए, कितनी बार आपने भगवत चर्चा सुनवा दी। हम जीवन को मोड़ने का प्रयास करें। अभी तक जिस दिशा में जीवन बह रहा है वो चला गया, अब हम उसे पकड़ करके मोड़ने का प्रयास करें कि बाबा की दया से अब मुड़ जाए। अब तो कृपा कर दो बाबा, अब तो समूचे जगत के ऊपर कृपा करते हो, हमें भी आप सन्मार्ग की तरफ मुड़ने का मन दे दीजिए, हमें भी आप मंदिर जाने का, दान पुण्य धर्म करने का, सत्कर्म करने का, सेवा करने का मन दे दीजिए।